नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एलर्जी की समस्या है, आपको जुकाम रहने की समस्या है, साल के 12 महीने आपको जुकाम रहता हो, आपकी नाक बहती रहती हो, छींके बहुत ज़्यादा आते हो, और जब भी आप धूल भरे मौसम में जाते हैं, सड़क पर जाते हैं तो आपको जुकाम हो जाता है, आपको छींके आने लगती हैं, या आपको एलर्जिक रैनाइटिस की परेशानी हो, साइनोसाइटिस की समस्या हो, या आपको दोस्तों साइनोसाइटिस की वजह से सर में दर्द रहने की समस्या हो, बहुत इलाज कराने के बावजूद भी आपकी अगर जो परेशानी है ठीक नहीं हो रही हो, तो दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी जो परेशानी है वह पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एलोवेरा के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इसके यूजेस के बारे में और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको आपको इसका इस्तेमाल करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ेंगे क्या वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो एलोवेरा टैबलेट होती है देखने में कुछ इस प्रकार की आती है, दो साइजों में मार्केट में मिल जाती है। सबसे छोटा जो साइज़ आता है वो 75 टैबलेट का आता है, इससे बड़ा साइज़ जो आता है वो 200 टैबलेट का आता है। दोस्तों जो इसका 75 टैबलेट वाला साइज़ आता है उसकी जो MRP आती है 185 रुपये इस पर MRP आती है, और इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है वो पहले एक कंपनी आती है वैक्सीन जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला यूज है कोराइजर। दोस्तों अगर किसी को जुकाम की समस्या है, काफ़ी पुराना जुकाम हो, नज़ला हो, नाक किसी की बहती रहती हो, साल के 12 महीने अगर आपको जुकाम रहने की समस्या हो, या जब भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले आपको जुकाम हो जाता है, आपकी जो नाक है वो बंद रहती है, खासकर रात में जब भी आप सोते हैं तो आपकी जो एक तरफ की नाक है वो बंद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप जुकाम को रोकने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका अगला यूज है स्नीजिंग। दोस्तों अगर किसी को जुकाम की समस्या हो और बहुत ज़्यादा छींके आने की समस्या हो, एक साथ 8, 10, 12, 13, 14 इस तरीके से छींके आती रहती हूँ जिसकी वजह से आपको सर में दर्द रहने लगता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो वाटरी आइज। दोस्तों अगर किसी को जुकाम रहता हो, जुकाम की वजह से आंखों से पानी आने की समस्या हो, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज है एलर्जिक रैनाइटिस। दोस्तों अगर किसी को एलर्जिक रैनाइटिस की परेशानी है तो उसमें भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज है एक्यूट एंड क्रॉनिक साइनोसाइटिस। दोस्तों अगर किसी को साइनोसाइटिस की समस्या है, जो साइनोसाइटिस है वह एक्यूट हो, यानी नई नई किसी को अगर इस प्रकार की समस्या हो, या फिर क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो, काफ़ी पुरानी या साइनोसाइटिस की समस्या हो, जुकाम रहने की समस्या हो, जो साइनस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, या फिर साइनोसाइटिस की वजह से किसी को साइनस जो है उसमें भारीपन रहता हो, या फिर साइनोसाइटिस की वजह से सर में दर्द रहने की समस्या हो, सर आपका भारी भारी रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगले यूज है दोस्तों अगर किसी को एलर्जी की वजह से किसी को जुकाम हो जाए, हाथ पैरों में दर्द होने की समस्या हो, तो उस समय भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है हे फीवर। दोस्तों अगर किसी को हे फीवर की परेशानी है, दोस्तों हे फीवर एक ऐसी समस्या होती है जिसमें से नाक से पानी आना, नाक के अंदर खुजली होना, छींके आना, सर में दर्द रहना, बॉडी एक रहना, कान भारीपन रहना, कुछ अगर ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस यूजेस थे जिस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है फेरमपॉस। दोस्तों जो फेरमपॉस मेडिसिन होती है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक कफ की या फिर एलर्जिक रैनाइटिस की। दोस्तों जो इसमें अगली मेडिसिन होती है नेटल में। और दोस्तों अगर किसी को जुकाम की समस्या हो, एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, सर में दर्द रहने की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में जो नेटल में और मेडिसिन होती है वो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों काली सर्फ, किसी को अगर गले से बलगम आने की समस्या हो, पीला बलगम आता हो, या फिर नाक से बलगम आने की समस्या हो, पीले कलर का अगर किसी को जुकाम आता हो, तो जो काली सर्फ मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों जिसमें अगली मेडिसिन होती है काली म्योर। दोस्तों काली म्योर भी एलर्जिक रैनाइटिस की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, अगर साइनोसाइटिस की समस्या हो तो काली म्योर उसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। बात करें अगर इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों जो इसमें अगली मेडिसिन होती है बैप्टीसिया। दोस्तों जो बैप्टीसिया मेडिसिन होती है अगर किसी को एलर्जी की वजह से फीवर आने की समस्या हो, टाइफाइड की समस्या हो, तो उस कंडीशन में बैप्टीसिया मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों जिसमें अगली मेडिसिन होती है ब्रायनी एल्बा। दोस्तों अगर किसी को मौसम बदलते ही अगर से जुकाम होने की समस्या हो, जैसे सर्दियों से गर्मी आई, गर्मियों से ठंड आई, बरसात आई,
तो ऐसे ही उस समय अगर किसी को जुकाम हो जाता है, बीमार पड़ जाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइमरी मेडिसिन होती है वो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जो प्राइमरी मेडिसिन होती है किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जुकाम रह रहा है, सर में दर्द रह रहा है, बॉडी को रहा है जो, या बुखार आ रहा है, तो ऐसी ही कंडीशन में प्राइमरी जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। दोस्तों जो इसमें अगला कंपोजिशन होता है कॉस्टियम, दोस्तों एलर्जी कफ की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। खांसी अगर खांसी या जुकाम रहने की समस्या हो तो कॉस्टिकम मेडिसिन उसको दूर करने का काम करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन है यूकेलिप्टस, दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन है जैल्सियम, दोस्तों जो जैल्सियम मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को साइनोसाइटिस की वजह से सर में दर्द रहने की समस्या हो तो सर के दर्द को दूर करने का काम जो मेडिसिन होती है जैल्सियम वो करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है सेबाडेला, दोस्तों जो सेबाडेला मेडिसिन होती है अगर किसी को ग्रेट स्नीजिंग की समस्या, अगर एक बार में बहुत सारी अगर किसी को छींक आती हो, नाक से पानी आता हो, गले में दर्द रहने की समस्या हो, हे फीवर की अगर परेशानी है तो जो सेबाडेला मेडिसिन है उसको दूर करने का बात काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों जो स्मगली मेडिसिन होती है पोटेशियम पर, दोस्तों जो पोटेशियम मेडिसिन होती है अगर किसी को बुखार आ रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द की समस्या, सारे जोड़ों में दर्द रहने की समस्या हो, एलर्जी की वजह से अगर किसी को जुकाम रहने की समस्या हो तो उसमें, या फिर आंखों से पानी आने की समस्या हो, तो जो पोटेशियम मेडिसिन होती है उसको दूर करने का काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जिसके द्वारा मिलकर बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी डोज आपको इसकी लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्यूट केस में इसकी जो डोज है वो एक गोली सुबह दोपहर शाम रात दिन में चार बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर पुरानी परेशानी है, क्रॉनिक समस्या है, तो दोस्तों इसकी डोज है वो एक गोली सुबह दोपहर शाम, या एक गोली सुबह और शाम दिन में दो बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके चिल्ड्रन में डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसके चिल्ड्रन में डोज है वो हाफ डोज ऑफ एडल्ट, जो एडल्ट डोज है उसकी आधी खुराक आप बच्चों में दे सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तों इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर बात करें जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है तो लगभग इस पर 5 साल की एक्सपायरी डेट आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगर आप में से किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी है, एलर्जी के जुकाम रहने की समस्या हो, राइजर रहने की समस्या हो, नाक आपकी बहती रहती हो, गले में दर्द की समस्या हो, गले में खराश रहने की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने दोस्तों में या अपने परिवार में आप इस मेडिसिन के बारे में सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।